वेलकम बैक टू माय चैनल एसजी व्लॉग्स। और सुबह के बज चुके हैं 10। हम लोग जिम गए थे, जिम से आ चुके हैं और आज हमारे लड्डू गोपाल ने न्यू ड्रेस डाली है। मैं आपको उनके भी दर्शन करवाती हूँ। और दो दिन से व्लॉग नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, इसलिए बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हुई व्लॉग बनाने की। और अब बस चाय बना रही हूँ, साथ में पोहा बना रही हूँ और आपको लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवाती हूँ। पहले ये हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, इन्होंने ना न्यू ड्रेस डाली है। देखो, कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं। कूलर लगा के दे रखा है इन्हें मैंने साथ, और ये अंदर बैठे हुए हैं। गाइस, पोहा और चाय हमारी रेडी हो चुकी है। अब बस पहले मैं लड्डू जी को भोग लगाऊंगी पोहे और चाय का, उसके बाद हम लोग खुद खाएंगे। गाइस, नाश्ता मैंने कर लिया है और ये गए हैं मार्केट। और जैसे कि आज सैटरडे है, गौरी की छुट्टी है, तो गौरी मेरे पीछे पड़ी हुई है कि पूल चलो, आज पूल नहा के आते हैं। तो मम्मी औरों को भी कहा है भी जाने के लिए, तो देखते हैं अगर हम स्विमिंग पूल नहाने के लिए गए तो। और अभी मेरे पीछे सारे कपड़े पड़े हैं मेरे थोड़े से, मैं ये तय लगा रही हूँ। और दो दिन से तबीयत ना ऐसे ढीली सी हुई पड़ी है कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता, इसलिए सारा घर मेरा तो ऐसे खिंडा पड़ा है। और अब सारा काम जा करती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। गाड़ी आज वॉश करा के आए हैं, देखो कितनी चमक रही है गाड़ी, शाइनिंग कर रही है पूरी, है ना, सर्विस के बाद। जब से हम आए थे वृंदावन से हमने धुलवाई नहीं थी, आज धुलवाई है उसके बाद। मैं मम्मी के घर आ चुकी हूँ और यहाँ पे सुबह की लाइट नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी हुई पड़ी है। और एक यही रूम की लाइट जल रही है, बाकी सारा बाहर अंधेरा हुआ पड़ा है। और मम्मी बना रहे हैं आलू के परौंठे। आये पसीना कितना आया पड़ा आपको, इतने गीले हुए पड़े हो पसीने से। लाइट नहीं आ रही ना, घबराहट हो रही है। हमारे तो थी उधर लाइट, इधर ही नहीं है। सुबह की नहीं है लाइट हमारे, क्या पता उधर तो थी। बना लिए सारे परोंठे? हाँ, बस बन गए। खाली आलू के नहीं, अभी खाएंगे, अभी खाएंगे नहीं लाइट की। होटल से मंगवा लेते, इतनी गर्मी में बना रहे हो। मैंने कहा चलो शौक से खाते हैं सब आलू के परोंठे। अरे ये हमारे लड्डू जी बैठे हैं, ये भी भोग लगा रहे हैं अपना, परोंठों का खा रहे हैं आलू के परोंठे। और ये बैठी है हमारी गोरी। हम लोग जा रहे हैं पूल पार्टी करने, और पूल का नाम लेते ही धूप चली गई। मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे हल्के हल्के बादल से आ गए हैं मौसम, बाहर बादल बादल से आए पड़े हैं सारे। गोरी पहले ही फिट होके बैठेगी, बैठ गई पहले ही हैं। थैला पीछे रखो, थैला रख दिया पीछे, ये डिग्गी खोलना, चाबी देना, खोल दूंगा, दूसरा भी रख दो। ये बड़ा चीखती है, रखो। पहुंच गए हैं और किनमिन भी स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको, बादल इतने ज्यादा काले हुए पड़े हैं, देखो बारिश अगर आ गई तो हम नहा भी नहीं पाएंगे। और अभी हल्की हल्की किनमिन आ रही है पीछे, और धूप के कारण आंखें भी नहीं खुल रही मेरी। सिरसा में और तो हमारे कोई जगह नहीं है घूमने की, घूम फिर के हमें यही स्विमिंग पूल ही दिखता है, कोई बैठा ही नहीं। मेरे को लगता है खाली है आज, खाली है ना, मैंने कहा है तेरे को मौसम वो है खराब है इसलिए खाली है। ऐसी पहले ही डर जाती है, ऊपर से मौसम बना हुआ है, क्योंकि मौसम खराब है तो कोई नहीं आता, बादल है ना तो कोई आता तो है नहीं। लोकर यहाँ पे अंदर आगे खाली पड़ा आज। गाइस, मैं थोड़ा सा नहा लूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ा सा इंजॉय करने के बाद, क्योंकि आपने व्लॉग तो स्विमिंग पूल का देख ही रखा है, इसलिए थोड़ा सा इंजॉय करें और फिर मिलते हैं।
मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है, देखो काली घटा ही पड़ी है पूरी और फुल इंजॉय हो रहा है। कैसा लग रहा है धीरज? थर्ड बार पूल की वीडियो अपलोड कर रही हूँ पर मम्मी औरों के साथ, मम्मी औरों के साथ फर्स्ट वीडियो आई है। ओ गए पानी में ऊपर से, हाँ गई भैंस पानी में ऊपर से बादल इतने काले, देखो कितने अच्छे अच्छा अच्छे मौसम है ना, अच्छा मौसम और पूल पार्टी, मतलब पूरा इंजॉय हो रहा है, फुल ऑन मजा आ रहा है। ऊपर से बारिश भी बहुत ज्यादा तेज आने वाली है और गौरी ये रही डर के मारे अंदर नहीं जा रही, आना नहीं बाहर। धीरज तो अंदर डूब गया, धीरज डूब गया। हाँ आज धीरज पानी में डूब गया। धीरज आज का थंबनेल होएगा धीरज पानी में डूब गया, ठीक है? क्या कंपटीशन चल रहा है? आजा 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 इधर है, क्या कंपटीशन क्या है? नहीं कंपटीशन क्या है? अरे कंपटीशन क्या है? अच्छा जो ज्यादा टाइम पानी में रहेगा। चलो 5 4 3 2 1 स्टार्ट। नहीं मैं बना रही हूँ, सही बन रही है। चलो ठीक है 5 4 3 2 1 स्टार्ट। देखते हैं कौन ज्यादा पानी में रहता है। पापा तो मारी आगे। आ जा धीरे से, पापा आगे मारे। पापा तो भारी आ गए एक मिनट में। मैक्सिमम कितने सेकंड पानी में रह सकते हो? 8 सेकंड। वेरी गुड। पकौड़ों की पार्टी गाइस हम जीत चुके हैं, पापा पानी में नहीं रहे। गौरी तो डर के मारे आई नहीं थी, पता नहीं क्या है, नहीं फिसलता। आ जा इधर से, आ जा गाइस। धीरज पानी में डूब चुका है, हमें कहीं नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा है तो बताना। ये रहा ये रे, नहीं डूबे, बच गए, नहीं डूबे। ये तो जान सूखती रहेगी। हाँ मस्त मौसम, काले काले बादल और यहाँ स्विमिंग पूल, बारिश आ जाए फुल एंजॉय हो जाए। नहा लिए और फुल इंजॉय कर लिया, मौसम खराब है, अब बस निकल रहे हैं यहाँ से और आगे अब चाय पकोड़े खा के आते हैं चल के। तो आपको आज तीसरी बार स्विमिंग पूल का व्लॉग देखने को मिला तो कमेंट करना कैसा लगा। और गोरी दिखा दूँ मैं, वो कितना डर रही है पानी के अंदर। हो गया गोरी को डर ही बड़ा लगता है। आ जा चल, आ जा चाय पीनी, आ जा। दिमाग में ना वो गाना आ रहा है, मौसम मस्ताना रास्ता सुहाना, पता नहीं सफर सुहाना, बट एक लाइन याद आ रही है गाने की। देखो किनमिन पड़ रही है ना, कितनी अच्छी लग रही है, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ऊपर से किनमिन पड़ रही है और कितना अच्छा लग रहा है ना। कपड़े चेंज करके आपको मैं चाय पकौड़े खाने जाएंगे तो फिर मिलती हूँ। देखो बारिश कितनी ज्यादा तेज आ चुकी है, इतने दिन से बारिश नहीं आ रही थी और आज हम आए हैं और बारिश बारिश को देख ले, गिल्ली हो रही है फिर, और बारिश देख लो आप कितनी तेज आ चुकी है, के साथ तूफान भी आ रहा है। कब से मैं वेट कर रही थी, बट मेरा पूल में आना लिखा था और फिर बारिश का आना लिखा था। बारिश देखो, हम लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे, कितना ज्यादा तूफान आ रहा है। तूफान की आवाजें आप सुन सकते हो, इतनी तेज तूफान आया है, हमारा घर जाना मुश्किल हुआ पड़ा है बहुत ज्यादा। देखो कितना ज्यादा तूफान आ रहा है और ये आवाज सुनो, कितनी आवाज आ रही है। गाइस ये देखो बारिश, गाड़ी मैंने अंदर मंगवाई है क्योंकि कपड़े हमारे सारे भीग गए बारिश में दोबारा। पानी देखो सिरसा में, आज बारिश आई है, कितना ज्यादा भर गया है, ये देखो फुल पानी है।
हम लोग घर पहुंच चुके हैं, इतना इतना पानी भरा हुआ, बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद हम घर पे पहुंच गए हैं। बारिश का नजारा और लाइट नहीं है, अंदर बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है। लड्डू भी हमारा अंधेरे में सोया पड़ा है, अब जाके उठाते हैं उसे भी। बिल्कुल अंधेरा है, देखो सारा अंधेरा ही अंधेरा। लड्डू उठ गया, भारी ड्रेस में देखियो, हाय पसीने से भरा हुआ, तो नहीं नहीं कराऊं, आजा मैं बेटा आजा, चल इसको नहला बारिश में। कितना पानी है, सारी गली भरी पड़ी है। और गाइज ये देखो देसी स्विमिंग पूल, मतलब ये जो नीवे घर होते हैं ना, वहाँ पे पानी भर जाता है सारा, और पानी भर गया तो बच्चे देखो कैसे इंजॉय कर रहे हैं। इसे आप देसी स्विमिंग पूल का नाम दे सकते हो या फिर कुछ भी कह सकते हो। यही तो रखा है मैंने, बंद कर दिया अखिल इसको। गाइज हमारे लड्डू जी भी नहा चुके हैं और लाइट है नहीं, और घर जाना है संभालने, भी चाय पियेंगे, ठंड लग रही है, उसके बाद स्विमिंग के पानी से नहाए हैं तो दूसरे पानी से नहाएंगे। गाइज यहाँ बन रही है हमारी चाय, पकौड़े लाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। गाइज पानी इतना भर गया कि पकौड़े लाने की जगह ही नहीं मिल रही। हाँ, और इसी के साथ आज का व्लॉग भी बहुत बड़ा हो चुका है, तो आज का व्लॉग मेरा मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करना, अपना प्यार देना, अगर आपने चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी अगर आपको पसंद आया हो तो, और कमेंट भी, और कमेंट भी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।